नमस्कार, सचिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। आज तो नवरात्र का अष्टमी है, तो सभी को नवमी की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, पर हम लोग ने तो अपने लिए व्रत रखा है, तो अपने लिए व्रत का कुछ बनाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए क्या बनाएं वो भी तो परेशान करते हैं कि मैं क्या खाऊँ। तो फिर उसके लिए मैं देखिए इंस्टेंट सैंडविच लेके आई हूँ, जो कि ब्रेड का है, बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी और बच्चों को बहुत हेल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। और मैं इसमें बनाऊंगी और आप चाहें तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने ये ऐसे चार ब्रेड ले लिए, जितने बच्चे हैं हिसाब से ले लीजिए। प्याज लिया है और यहाँ मैंने ये पनीर लिया है, नमक और काली मिर्च इसके ऊपर डाल दिया, छोटे छोटे पीस पनीर के देखिए ये कर लिए है। और फिर ये मैंने थोड़ी सी गाजर ग्रेट कर ली है, थोड़ी शिमला मिर्च है, और जो जो मेरे पास घर में था ब्रोकली है, और यहाँ पर चुकंदर है और टमाटर है। अब ऊपर से खिलाएंगे तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन अंदर रख देंगे तो सब बच्चे आराम से खा लेंगे। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। चार ब्रेड है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ये मेरे पास टोमेटो केचप है, तो जैसे मैंने इस पर लगाया, ये देखिए इस पर लगा के इसको थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। और जो दूसरा वाला पीस है इसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी, जो कि मैंने व्रत में बनाई है। तो ये ग्रीन चटनी, अगर बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो मत लगाइए, और पर हमारे यहाँ बच्चों को पसंद है इसलिए मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं ये देखिए थोड़ी जो गाजर है उसको ऐसे करके इसके ऊपर, ये शिमला मिर्च है मैंने तो ऐसे काट दिया है, आप जैसे चाहे वैसे काटिए, मैं तो इस तरह से इसको काट लिया है। और इधर ब्रोकली भी अंदर डालेंगे, सब जो है वो पक जाएगी। ये देखिए, और थोड़ी सी चुकंदर भी डाल देंगे तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता चलता है। और फिर दो यहाँ पर मैं पनीर के पीसेस लगा दूंगी। ये लगा दिया, इसके ऊपर हल्का सा नमक लगा देंगे, तो बच्चों को मिर्च तो कोई पसंद नहीं है, मैं थोड़ी काली मिर्च लगा दूंगी। और जो नहीं खाते हैं उसको स्किप कर दीजिए। और फिर इसके ऊपर ये देखिए एक टमाटर और एक प्याज ये मैं लगा दूंगी, और इसके ऊपर इसको इस तरह से कर दूँगा। इधर मैंने ये अपना सैंडविच वाला बनाने वाला लिया है, इस पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बटर लगा दिया है। इसको इसके ऊपर रख देते हैं, आप चाहें इसको तवे पे भी बना सकते हैं। घी पे थोड़ा बटर लगा दिया है, अब इसको बंद कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब देखिए इसमें बन जाएगा अभी ये देखिए ये बन चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया शिका है। और इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा है और टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो ये बच्चों को दे दीजिए, कुछ भी हो जाएंगे और हेल्दी भी है, तो बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी भी इससे मिल जाएगी। ये देखिए कितने बढ़िया सीखे हैं। और इसको देखिए इसको कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे।
ये देखिए अभी इसको दिखाते हैं, इसको लगा के ये देखिए ये सैंडविच जो है वेजिटेबल्स पनीर मिक्स सैंडविच बच्चों के लिए बना दिया है। इंस्टेंट है ये और बच्चे भी खुश और सब चीज़ उसके जो है पौष्टिक भी है सभी कुछ। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, जो बच्चे जो मांगे तो आप भी ऐसे ही बनाइए और उसके बाद बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे मम्मी बार बार मांगेंगे मम्मी आप बार बार इसको बनाइए। तो पनीर की जगह आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, पर मैंने चीज़ नहीं डाला है। आप चाहें तो चीज़ भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अब तक अगर सब्सक्राइब चैनल ना किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन तो ज़रूर आपको क्लिक करनी पड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी नहीं पहुँचेगा। और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।